खटक। आज हमारे देश को आजाद हुए 66 साल हो गए हैं बाजी। अंग्रेज चले गए, काफी अंग्रेज पीछे छोड़ गए, हम लोगों ने उनकी भाषा को अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे उन्होंने रेल शुरू की, बड़े बड़े पुल बनाए। हम लोग भी अच्छे काम करते हैं, जब कभी हमारा दिल करता है, कभी सरकार से नाराजगी हो जाती है या कोई और चीजें हो जाती हैं, हम फिर उन पुलों को तोड़ते हैं, गाड़ियों को फूंक देते हैं। और ये जो लोग गाड़ियों वाड़ियों को फूंकते हैं, इनका देश की तरक्की में कोई हाथ नहीं होता, इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। सारी उम्र सोचता है लगा कि मैंने बड़ा होकर कार लेनी है, फिर उससे ली नहीं जाती, टाइम निकल जाता है कार लेने वाला, फिर वो गुस्से में जब ऐसे माहौल क्रिएट होता है ना, तो ढूंढ ढूंढ के गाड़ियां फूंकता लोगों की, क्योंकि गुबार बाहर निकालता है, गुबार। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों ने आजादी को सही तरीके से एंजॉय किया है वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के विलेंस। हीरो ने कभी आजादी थोड़ी फील की बेचारे ने। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है विलेन के मायने बदल चुके हैं। विलेन जरूरी नहीं कि आप हमेशा वैसे विलेन आए कि जो दिखने में विलेन लगे, आजकल बड़े हैंडसम गुड लुकिंग विलेन भी आ गए हैं। तो आज मैं जिस विलेन को यहां पे आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो जो विलेन है वो बड़े हैंडसम है, डैशिंग है, गुड लुकिंग है, जिन पे लड़कियां मरती हैं। उन्होंने दबंग, जोधा अकबर, रेडी, चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। सो एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए हमारे सबके प्यारे हरमन प्यारे निकेतन का। तू तंबू वो बंबू। कभी देखा ऐसा विलेन? ठोको तालियां जरा जोरदार। निकेतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू। जोधा अकबर में वो घोड़े वोड़े हाथी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए आपको तो स्पेशली। एक बंदा घोड़े बैठ के आया, निकेतन अकेला पैदल ही जा रहा, फिर भी घोड़े वाले से ऊंचा है। एक्चुअली एक सीन में घोड़ा था तो मेरे पैर लग रहे थे जमीन पे, फिर इसलिए उन्होंने ऊंट पर डाल दिया था। और घोड़े के ऊपर जब बिठाया ना निकेतन को, तो घोड़ा ऐसे पहले बैठा, फिर जब निकेतन चढ़ा रहा घोड़ा कहते अबे तुम लोगों ने देखा एक्टर बिठाना, ये क्या मेरे ऊपर माल लाद दिया ट्रक वाला है। लेकिन ये हाथ क्यों मल रहे हैं? मेरी तो आदत है, आप क्यों वैसे कर रहे हैं? मैं ना थोड़ा घबरा रहा हूँ आज। ये क्या बात कर रहे हैं आप? फिल्म में तो आप किसी से डरते नहीं है, पूरा बॉडी बॉडी। उधर क्या है, हाथ पैर चलाने पड़ता ना, आपके साथ मुंह कौन चलाएगा? तो मैं अपने गुरुजी को बुला लूं। गुरुजी भी आए आपके? हाँ हाँ। ये बदमाशों के भी गुरु होते हैं यार। जैसे हम लोग संगीत सीखते थे गुरुजी, आप हमें रियाज करना सिखाई, आप क्या करते गुरुजी? दुपट्टा छीनना सिखाइए। रियाज कराते हैं वो भी। रियाज कराते हैं? कौन है आपके गुरुजी? भाई इनके जो गुरु हैं, मेरी रिक्वेस्ट है लेडीज सारी पीछे चली जाएं, और जो पीछे वाली लेडीज है वो घर चली जाएं, और लड़के दुपट्टे ले लें। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डैशिंग हैंडसम द वन एंड ओनली रंजीत। हजूरे वाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए, पाजी जफी पहले जफी बाओ, मतलब इतने मतलब गुड लुकिंग, ये ट्रेंड एक्चुअली इन्होंने शुरू किया था, मतलब स्मार्ट विलेन। तो जब कभी हिरन को भी उठाने जाते थे तो वो भी सोचती थी कि उठ जाऊं मना करूंगी चली जाऊं साथ में। कपिल जी भाई, मैं आपका शो इतने प्यार से देखता हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, अपनी लाइफ में अगर 400-500 पिक्चर की होंगी तो 8-10 देखी होंगी, लेकिन आपका शो जो है ना रिलीजियसली मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि इसमें एक दो विलेन को वैसे ही हंसने का मौका नहीं मिलता। हंसता भी है तो नकली डराने के लिए। दादी मेरी अच्छी लगती है। और तेरी दादी, इसकी जो दादी है ना, उसके अंदर ही 8-10 रंजीत भरे हुए हैं। मैं अपने गुरु को लेके आया हूँ साथ में। अच्छा, हाँ जी, आपके भी गुरु हैं? हाँ। गुरु आपके के गुरु भी? मतलब नहीं, मतलब मुझे तो लगता है ये सब कामों में आप ही सबके गुरु हैं। नहीं, मेरे गुरु ने जहां से छोड़ा था ना, मैं वहां से चालू हुआ था। पता है आपको? अभी आप इमेजिन कीजिए कि मेरे गुरु ने कहां छोड़ा होगा। बुलाऊं? जी प्लीज, दिल थाम के बैठिए जी। अभी जितनी भी औरतें पीछे गई थी ना, अभी शाखा आ गया है। कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैंने वो काम छोड़ दिए। प्रेम चोपड़ा साहब को बुलाओ। जोरदार तालियां। अरे भाई, एक चीज मुझे देख के अच्छी लगी भाई, विलन भी एक दूसरे के पांव छूते हैं। अच्छी बात है पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पांव छू नहीं रहे थे, कोशिश कर रहे थे पांव से पकड़ के गिरा दे। लौट कर फिर वही जमाने आ गए, आ गए हंसी की दुनिया को वो डराने आ गए। मच गई है हर तरफ
खलबली यारो, सुना है कि जंगल में शेर पुराने आ गए। और आज मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी फैमिली नहीं है ना, मेरी चिपकू दादी है। वो होती ना कहते चिपक चिपक नहीं है, हैं? दादी नहीं, आप आराम से बैठिए। प्रेम जी भी रिलैक्स हो गए। अच्छा दादी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा प्रेम, हाय, कितनी बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। हाय, कितने चुपड़े चुपड़े लग रहे हो। सच की बराबर से देखूं आपको। हाय हाय, मेरे चोपड़ा, मैं आपकी चोपड़ी, हम दोनों के बीच में ना आए कोई छोकरी। बिल्कुल नहीं आएगी। चटकी खोपड़ी। एक बात बताइए जी, मैं भी उतारती हूँ, आप भी उतारिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोली, लवी डवी, गौर से देखिए मेरी तरफ। अरे क्या डर रहा है? ऊपर से नीचे देखिए, ये देखिए, देखिए मेरी आंखों में देखो, चोपड़ी आंखों में देखो, चोपड़ी की सटक गई है खोपड़ी। बड़ा सा लाइन बोल दो। हाय हाय हाय, चोपड़ी की सटक गई है खोपड़ी। तेरी ये शराबी आंखें, तेरी ये मस्त आंखें, कुर्बान जाऊं इन पे। हाय 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 हाय, लेकिन मेरी जान, भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। ये क्या है प्रेमू? ये तो मुझे भी पता है। वही था। भैंस तो गोबर ही देंगी ना, ग्रेजुएशन थोड़ी ना करेगी। अच्छा, आपके हर एक लाइन मुझे याद है। इतनी नजाकत से प्रेमू आप लाइन बोलते थे। वो आपकी कौन सी लाइन थी? नंगा जाएगा क्या, नींबू नहीं जोएगा। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि नंगे को इतनी जल्दी क्या थी। अरे पहले नहा लेता, कपड़े पहन लेता, नींबू निचोड़ लेता, शिकंजे भी पी लेता। ऐसा नहीं थी लाइन। ये लाइन जो है ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, सबको मालूम है। क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आप आए हो तो खाली हाथ जाने नहीं दूंगी, आपके लिए भी एक जप्पी और पप्पी। बैठ जाओ, थक गए होगे। दादी रंजीत। रंजू। यस डार्लिंग। ये जो लड़कियों के दुपट्टे छीनते थे तुम, तो उन फटे हुए टुकड़ों का करती क्या थे तुम? फटे हुए टुकड़ों की दुकान लगाता था। रंजीत कटपी सेंटर। और वहाँ लिखा होता था, वहाँ लिखा होता था, ये मौसमी का दुपट्टा, ये रेखा का दुपट्टा, ये जीनत का दुपट्टा। बिंदु का कहाँ है बताओ, जला दूंगी। बिंदु का चोपड़ा साहब को मालूम। चोपड़ा। लेकिन दादी या? तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अच्छा, अब मेरे चेले से मिलवा रहा था। चेला चेला काम यार, चेला काम यार। ओए डनारी हेलो। इतना बड़ा छेला। छेला वो तुम्हारी फिल्म में मैंने देखा है, वो शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान अपनी हीरोइन को ऐसे उठा के कुछ हजार चार हजार सीढ़ियां चढ़ता है, मेरी तो कुछ 15-16 ही है। आपके बहुत सारे चाहने वाले, आप लोग अपने चहेते कलाकारों से एक एक करके आप बात कर सकते हैं जी। सबसे पहले कौन बात करना चाहता है जी? हाय निकेतन जी। hey. I would like to ask you that. What do you want to ask? He's in Hollywood. Our words. Are you from Hollywood? No. यार हमको भी समझ आया, कुछ हिंदी में पूछो यार। हम लोग दोनों की हाइट आप जैसी है। चश्मा संडे मार्केट से लिया। बस थोड़ा स्टाइल और पर्सनालिटी की कमी है, तो आप थोड़ा टिप्स दीजिए हमें। अच्छा, निकेतन से आप टिप्स लेना चाहते हैं? हाँ। कहते हैं हाइट हमारी, आइए माप लेते हैं अभी, आइए जरा। ये हाँ। इनको दोनों दो गर्म करके पिघला के दो तीन बंदे और मिक्स करोगे तब निकेतन बनेगा एक। हाँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे।